पंच दिवसीय हवेली संगीत समारोह के आज पंचम दिवस में हम सभी कीर्तनों को श्री गोवर्धनधर प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर रहे हैं। आज प्रथम कीर्तन राग गोरी में हम श्रवण करेंगे। ललना खेलत फाग बन्यो ब्रज सखा लिए नंद नंदना। चत्रवुद दास जी दर्शन करके गा रहे हैं कि आज ब्रज सखाओं को साथ लेकर नंद नंदन ललनाओं के साथ फाग खेल रहे हैं। बंसी धर के होरी है कहते हुए युवती जनों के मन को हर रहे हैं। आनंद कंद प्रभु को देखने के लिए घर घर से युवतियां चली आ रही हैं। वहां ताल मृदंग झांझ डफ बाज रहे हैं, सुंदर राग में गीत गव रहे हैं। जगह जगह पर अबीर गुलाल बूका वंदन छिड़क रही हैं, हाथों में लेकर चारों ओर उड़ा रही हैं। कंचन की पिचकारी से चोवा चंदन युक्त जल को छिड़क रही हैं और वहां रसवश होकर मग्न हो गई। आनंद मन में समा नहीं रहा। चत्रवुद दास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु विरह निकंदन और संयोग का दान देने वाले हैं, सब सुख के निधि भंडार हैं। ललना खेलत फाग बन्यो ब्रज सखा लिए नंद नंदना। राग गोरी में आओ अब हम इस पद का श्रवण करें। मुरली भाई लाला भाई बनारस ना सर्वे वैष्णवन्य जय श्री कृष्ण। बसंत धमार पद छे राग गौरी ताल त्रिताल ललना खेलत फाग बन्यो। नंदन नंदना ललना खेलत फाग बन्यो।
प्रसिद्ध कीर्तन राग कल्याण में श्री गोवर्धन राय लाला प्रस्तुत पद में पनघट में हो रही लीला है। इस पद में 5 तुक हैं, 4 तुक गोविंद स्वामी ने गाई फिर चुप हो गए, अरे धमार तो भाग गई। तब गुसाई जी ने 5वीं तुक गा के पूर्ण किया इस पद को और उसमें छाप गोविंद दास की दी है। श्रीनाथ जी के शयन के दर्शन खुले हैं, गुसाई जी बीड़ी आरोग आ रहे हैं और गोविंद स्वामी ये ओरी खेल के दिनों में खूब सुंदर उनको ये दर्शन हुए कि पनघट पे गोवर्धन नाथ जी पधारे हैं। हे गोवर्धन राय लाला, गोपियां कह रही हैं तिहारे चंचल नयन विशाला, आपके चंचल नयन विशाल हैं, तुम्हारे हृदय पर वनमाला शोभ रही है, इसी कारण से ब्रज की बालाओं का चित्त हरण होता है, या पे मोही रही ब्रज बाला, वनमाला के पुष्प ये ब्रजभक्त हैं। और ठाकुर जी वनमाली हैं, माली जिस प्रकार पुष्प का सिंचन करता है उसी प्रकार ठाकुर जी वनमाली बनकर वनमाला धारण कर मानो अपने भक्तों के भावों का सिंचन करते हैं। खेलते खेलते गोवर्धन नाथ जी वहां गए, कहां जहां पे पनिहारियों के आने जाने का मार्ग था। खेलत खेलत तहां गए जहां पनिहारिन की बाट, और ठाकुर जी ने गोपिकाओं के सिर से घड़े को उल्टा दिया, गागर उल्टा दी। कोई घाट पे पानी नहीं भर पाती हैं, कई चतुराई भी कर रही हैं कि अरे लालन हमारी मटकी उठाओ, और मटकी उठा के सिर पे धर रही हैं और एक टक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। अचानक ठाकुर जी पधारे और मटकी ढोल दी, अरे क्या कर रहे हो ये, हमको भिगो दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं गोवर्धन नाथ जी, अरे ये तो हो रही है, नंद राय जी के लाड़ीले इस प्रकार खेल करते हैं। प्रसन्न मुद्रा में संपूर्ण ब्रज की नारी प्रभु के श्रीमुख का दर्शन कर रही हैं। अब क्या किया, प्यारी राधा जी ने चुपके से चंदन कुमकुम का अपने हाथों में लेप किया, पीछे से चुपके से आई पधारी और श्री गिरधर के गाल पे लगा के वो चंदन चोवा कुमकुम, और वो भाग गई। और जब अरग जा कुमकुम घोर के प्यारी लीनो कर लपटाए, अचका अचका आए के भाजी गिरधर गाल लगाए। और वहां ठाकुर जी को उन्होंने रंग दिया। इस प्रकार जब भाग गई वो और गोविंद स्वामी भी मौन हो गए, गुसाई जी ने कहा गोविंददास आगे गाओ, कृपानाथ का गाऊं, जो धमार हती वो तो भाग गई। और गुसाई जी ने ये अंतिम तुक का गान करके इस पद में छाप दी गोविंददास की। यह विद हो रही खेल ही ब्रिजवासिन संग लगाए, गोवर्धन धर रूप पे जन गोविंद बल बल जाए। इस प्रकार प्रभु ब्रजवासियों के संग होली खेल रहे हैं, गोविंददास प्रभु के इस रूप पे बलिहारी जाते हैं। श्री गोवर्धन राय लाला, तुम्हारे चंचल नयन विशाला, या पे मोही रही ब्रिजबाला। आओ राग कल्याण में इस पद का हम श्रवण करें। श्री गोवर्धन राय लाला, आहो प्यारे लाल तिहारे चंचल नैन विश।
शालातिहारे उरसो हे बनमाला याते मोही राही ब्रजबाला श्री खेलत खेलत कहाँ गए जहाँ पनिहारिन की बाट गागर ढोरे शीशते को नंद राय के लाडिले ऐसो खेल निवार मन में अर्ग जा कुम घोर के प्यारी लीनो कर लपटाया अचकाया चका यह विद होरी खेल ही ब्रजवासिन संग लगाया गोवर्धन धार रूप पर जन ब्रजवासिन संग लगाया गोव
बल बल जाय श्री गोवर्धन राय लाला। अहो प्यारे लाल तिहारे चंचल नैन विशाला तिहारे उरसो हे बनमा राग अडाना में कीर्तन प्रस्तुत होने जा रहा है। शब्द है, होरी रंग भर गावे सोई खिलार डफ लिए बजावे। फाग के दिन में धमार फाग होरी रसिया गारी आदि गाकर अपने भावों को सखा सखी प्रकट कर रहे हैं। आज चतुर खिलार सखी रंग भरी होरी के गीत डफ बजा के गा रही है। यहाँ चतुर खिलार सखी को भी कहा और मानो चतुर खिलार ठाकुर जी खुद भी स्वयं भी है। गा गाकर अनेक प्रकार के रंग उपजा रहे हैं, यानी नवीन भाव गाकर नृत्य करके प्रकट कर रहे हैं। उन भावों को देखकर जो रीझता है ताको फेर सुनावे, उसे जाकर फिर से वही भावों को गान नृत्य करके सुनाती हैं। आज सब अर्ग जैसे रंगे हुए सने हुए हैं और नेत्रों के इशारों के द्वारा अपने हाव भावों से रस उपजा रही हैं। गदाधर दास जी की यह रचना को आओ हम राग अडाना में श्रवण करें। शब्द हैं, होरी रंग भर गावे सोई खिलार डफ लिए बजावे। I'm
करुणा सार रे जगत उजागर गाए श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जा रसिक कहाइए जगत उजागर गाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए वल्लभ सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए जगत उजागर गाइए श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर जगत उजागर जगत उजागर गाइए पुष्टि वृंद के द्वारा पंच दिवसीय ये हरि संग होरी खेलन आई इस कार्यक्रम में इन सभी कीर्तनों को हम श्री प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर रहे हैं। सेवा प्रणाली में सबसे लंबी ज़्यादा दिनों तक चलने वाली, क्योंकि जैसे हिंडोरा लीला है वो 32 दिन की है, रथ लीला 12 दिन की है, दान लीला 20 दिन की है, पर फाग लीला ऐसी है जो 40 दिन तक चलती है। बस यही होरी खेल लीला को हम हृदय में धारण करें और इसी प्रकार आप सबका प्रेम सदा बना रहे। श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मेरी वाणी को समर्पित कर रहा हूँ। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वसंत बिहारी लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।